दोस्तों साल 2011 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं टीवी इंडस्ट्री के उन शोज में शामिल है जिसे पर्दे पर आए आज 10 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी आज दर्शक इस शो के सीजन्स को भुला नहीं पाए हैं। और आज दर्शकों के इसी प्यार और मोहब्बत को देखते हुए अब शो के मेकर्स शो के फोर्थ सीजन के अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जिसमें हमें इनके पहले सीजन के ही कुछ कलाकार तो देखने को मिलेंगे ही जो इन बीते सालों में काफी ज्यादा सफल हो चुके हैं। और इसी के चलते उन्होंने इस बार इस सीजन को करने के लिए काफी अच्छी खासी कीमत की डिमांड की है, जिसके बारे में आप जानकर भी हैरत में पड़ जाएंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 4 के कलाकारों और उनके इस सीजन को करने की सैलरी बताने वाले हैं, जिसके बारे में ना आप भी जानना चाहते होंगे पक्का। तो इसीलिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, साथ ही इस दमदार शो के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, अक्षय डोगरा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेता अक्षय डोगरा का, जिन्हें इस शो के पहले सीजन में आकाश सिंह रायजादा का किरदार निभाते हुए देखा गया था, जो कि एक सहायक भूमिका में होने के बावजूद अपने इस किरदार के लिए काफी ज्यादा पसंद किए गए थे। और अपने इसी किरदार के साथ इन्होंने अपने करियर में भी 4 चांद लगाए, जो कि आप इस सीजन के एक बार फिर से अभिनय करते हुए दर्शकों का दिल जीतने की पूरी तैयारी में हैं। इसी के साथ साथ बात करें कि ये इस सीजन को करने के लिए कितने रुपए चार्ज कर रही हैं, तो आपको बता दें कि ये पर एपिसोड को करने के 35,000 रुपए चार्ज कर रही हैं। नंबर 2, आभास मेहता। इस लिस्ट में दूसरा नाम अभिनेता आभास मेहता का शामिल है, जिन्हें इस शो के पहले सीजन में खुशी के एक्स फियांसे और अंजलि के पति श्याम मनोहर झा के किरदार में देखा गया था, जिनका ये किरदार नेगेटिव होने के बावजूद दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया था। और यही वजह है कि इस सीजन में भी उनका यही दमदार अवतार देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए ये 40,000 रुपए पर एपिसोड के हिसाब से कीमत की डिमांड कर रहे हैं। नंबर 3, दलजीत कौर। जी हाँ, इस कड़ी में एक नाम अभिनेत्री दलजीत कौर का भी शामिल है, जिन्हें इस शो के पहले सीजन में अर्णव सिंह रायजादा की बहन अंजलि सिंह रायजादा के किरदार में देखा गया था। और अपने इसी किरदार के साथ अभिनेत्री दलजीत कौर ने दर्शकों के बीच अपनी खासी अच्छी पहचान बना ली थी, जिसके चलते खबरें हैं कि अब ये इस शो के चौथे सीजन में भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर निभाने वाली हैं। लेकिन वहीं अगर बात कर ले कि किरदार को निभाने के लिए अभिनेत्री दलजीत कौर को कितना अमाउंट दिया जा रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्हें इस किरदार को निभाने के लिए पूरे 35,000 रुपए पर एपिसोड दिए जा रहे हैं। नंबर 4, वरुण सोबती। चलिए अब बात कर लेते हैं इस शो के मुख्य किरदार अर्णव सिंह रायजादा को पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता वरुण सोबती के बारे में, जिन्होंने सीजन के पहले सीजन के साथ साथ बाकी सीजन्स में भी काफी अहम भूमिका अदा की है। और अपने इसी किरदार के साथ वरुण सोबती आज काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग हासिल कर चुके हैं, जिन्हें आज सीरियल के साथ साथ वेब सीरीज और फिल्मों में भी देखा जा चुका है। और अपनी इसी सफलता के चलते आज इस शो के फोर्थ सीजन को करने के लिए पर एपिसोड 60,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। नंबर 5, सनाया ईरानी। इस कड़ी में आखिरी नाम शामिल है अभिनेत्री सनाया ईरानी का, जिन्हें इस शो के पहले सीजन को यादगार बनाने में सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। जी हाँ, शो में सनाया ईरानी को खुशी कुमारी गुप्ता के किरदार में देखा जा चुका था, जो अपने इस शो के चुलबुले और मासूमियत भरे किरदार से सभी की फेवरेट बन गई थी, जो यूं तो आज इन बीते सालों में एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल्स देने के साथ साथ आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपने कदम जमा चुकी हैं। और इसी के चलते इनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो इस बार इस सीजन को करने के लिए 80,000 रुपए पर एपिसोड चार्ज कर रही हैं। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सभी कलाकारों में से कौन अपने डिजर्विंग अमाउंट से कम या फिर उससे ज़्यादा रुपए चार्ज कर रहा है? आप हमें उनका नाम और अपनी राय दोनों ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और दिलचस्प और चटपटी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।